हेलो सर ने मेरी रैंक तो बता ही दी है आपको, और कोमल ने सारी जर्नी भी बता दी। हमने सब साथ में किया है, कॉलेज कॉलेज भी साथ में किया था। सब लेट आते थे, सब साथ कॉलेज में, सब कुछ साथ ही हुआ है। और कोचिंग भी साथ ही ज्वाइन करी थी, इसलिए सब जो बोला, जो कोमल ने बोला वही मेरा है। तो मैं एडिशनल जो बाकी रहा है वो बोल दूंगी। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि जो जून वाले एग्जाम के बाद, नॉर्सेट के बाद जो हाँ मैंने किया था, मतलब गिव अप एग्जाम एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम गिव अप ना करें। क्योंकि हम कैसे, क्यों अगर टेस्ट में मार्क नहीं आते फिर भी गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब तो नहीं होगा। और जून वाले के बाद सेम ही होता। मैंने पता नहीं 1.5 महीने, 1 मंथ तक पता नहीं क्या किया, क्या चल रहा है, क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं था। फिर भी सबने बहुत सपोर्ट किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन गिव अप नहीं करना है। क्योंकि आज नहीं तो कल, कभी तो हो ही जाएगा। और हमारी और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि हमने डिस्कशन किया था। सबसे बड़ी मतलब, क्योंकि कोई भी टॉपिक में डाउट होता है, कोई कोई क्वेश्चन में कुछ भी, मतलब ऐसे कोई टॉपिक हो जो हमें याद नहीं रहते, तो हमने डिस्कशन किया था। जो डिस्कशन से सबसे ज्यादा मतलब हमें एग्जाम में यही याद आता, हाँ कोमल ऐसा कुछ बोल रही थी, वही डिस्कशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वही याद आता है बस। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच दोनों को।